वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर जो आप कुवैत में रह रहे हैं, छुट्टी जा रहे हैं तो भाई तो ये वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो लोग छुट्टी जा रहे हैं उन लोगों के लिए। क्योंकि अभी जो है कि एयरपोर्ट में बहुत बुरा चेकिंग चल रहा है, मतलब बहुत लोगों को वापस कर दिया गया है और बहुत लोगों को पकड़ा भी गया है। तो आप लोग छुट्टी जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि पूरी खबर क्या है और पूरी सच्चाई क्या है, आप लोगों को किस किस चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत एयरपोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जो कि कुवैत एयरपोर्ट में अभी फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी अभी आप लोग अगर जो छुट्टी जा रहे हैं। तो कुवैत एयरपोर्ट पर फ्रॉड करने वाले आरोपी की हुई गिरफ्तारी, लगातार आवागमन पर अधिकारियों को हुआ था शक। शातिर तरीके से स्मगलिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कुवैत में शातिर तरीके से स्मगलिंग करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। कुवैत सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि स्मार्ट तकनीक से एयरपोर्ट पर आगमन करने वाले यात्रियों पर नज़र रखी जाती है। इसी दौरान ऐसे लोगों पर भी नज़र पड़ती है जो अवैध काम कर रहे होते हैं। स्मार्टफोन स्मगलिंग करने वाले आरोपियों का पता चला है। इस तरह की एक मामले में अधिकारियों ने एक प्रवासी की पहचान की है, जो अक्सर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आता जाता रहता था। जांच में पता चला कि आरोपी के पास स्मार्टफोन होता था और वह यात्रियों को अक्सर स्मार्टफोन दिया करता था। जब अधिकारियों ने पाया कि 10 से भी अधिक बार उसने इस तरह के कारनामे को अंजाम दिया, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वह लोगों को स्मार्टफोन दिया करता था और उसके बदले में उसकी अच्छी कमाई होती थी। आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार कर दी है, जिसके बाद अधिकारियों ने उसे इस रिपोर्ट कर दिया है और उसकी री इंट्री पर बैन लगा दिया है। तो भाई आप लोग भी अगर जो ऐसा कुछ करते हैं तो आप लोगों को फिर बैन लगा दिया जाएगा। देखिए भी पूरी मामले जो बात ये है कि बात ऐसा था कि बंदा जो है कि यहाँ से मोबाइल सेल करता था, यहाँ मोबाइल सस्ते में मिलता है, जैसे आईफोन हो गया, तो यहाँ से सस्ते में लेके वहाँ पर इंडिया में भेज रहा था, कहीं भी भेज रहा था। वहाँ पर क्या है कि टैक्स लगता है, बाकी के मुल्कों में यहाँ टैक्स नहीं लगता है। तो यही कर रहा था। जब एयरपोर्ट पर इसे 2 बार 4 बार 10 बार देखा गया, तो उसके बाद पुलिस वालों ने इसे कड़ी नज़र करी और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। और इसके बाद इसको री एंट्री करने के लिए, मतलब ये दोबारा कुवैत में नहीं आ सकता है, ऐसा आने के लिए इसको ऊपर बैन लगा दिया। तो आप लोग भी अगर जो जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, आप लोगों को कोई सामान कुछ दे रहा है तो लिमिट भर ही लेके जाइए, जितना आपका कैपेसिटी हो। और नहीं, पहली बात तो किसी का कोई अपना एकदम खास पहचान वाला रहे तभी उसका सामान लेके जाए, नहीं तो मत लेके जाए भाई। क्योंकि नहीं, अभी कल आजकल क्या हो रहा है कि सामान के बदले कोई कुछ भी दे दे रहा है, फिर उसमें क्या होता है कि पकड़े जाते हैं आप। तो सावधानी बरतें अगर जो छुट्टी जा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, कोई सवाल सुझाव तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें।